Just quit a class fit. Look at exercise 8.2. And yes, sir. So today we have to discuss question number 6 because we have already discussed 1 to 5, okay? 8.2. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now look at question number 6. There yes. is a statement. Gold at यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बेटा यस गोल्ड आर्टिफैक्ट अनअर्थड फ्रॉम एन आर्कियोलॉजिकल साइट इंक्लूडेड अ गोल्ड स्टैचू वेनिंग 21 किलोग्राम 50 ग्राम टू नेकलेस वेनिंग 3.520 किलोग्राम एंड 3 पेयर्स ऑफ इयररिंग्स वेनिंग 85 ग्राम ओके यहां से क्या साइन करना देखिए गोल्ड आर्टिफैक्ट अनअर्थड फ्रॉम एन आर्कियोलॉजिकल साइट एक भूगर्भीय क्षेत्र से कुछ सोने की चीजें निकाली जा रही है सोने का खदान वहां पे तो वहां से कुछ सोने की आइटम्स निकले हैं क्या क्या निकले हैं देखिए कैलकुलेट इसमें से इन्होंने बताया अ गोल्ड स्टैचू वेनिंग 21 kg 50 ग्राम 21 kg 50 ग्राम Two necklaces weighing 3.520 kilograms each, and 3 pairs of earrings weighing 85 grams. Okay. सबसे पहले write करेंगे weight of a gold statue. Now we have to find point number A is given here. How heavy is the statue compared to the two necklaces? यानी ये स्टैचू जो है वो कितना हैवी है उस टू नेकलेसेस के कंपैरिजन में तो इसके लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा फ्रॉम द वेट ऑफ स्टैचू तो सर पहले मल्टीप्लाई करना चलिए ठीक है सबसे पहले वेट ऑफ आर स्टैचू राइट कर लेते हैं जो गिवन है यहाँ पे वेट ऑफ आर स्टैचू weight of a statue is equal to 21 kg 50 g okay beta isko point mein yes, direct 21 kg dekho yahan pe jo 21 kg aapka given hai and 50 g इसको क्या करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करते हैं केजी में केजी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं ओके केजी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो फाइव जीरो आप क्या बोल रहे थे सर क्योंकि सर यहाँ पे 1000 से सर डिवाइड करना यस बेटा यू नो दैट टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम वी हैव टू डिवाइड द ग्राम वैल्यू बाय 1000 ओके यानी जो ग्राम वैल्यू होती है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं तो 50 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21.050 kg हो जाएगा 21.050 किलोग्राम नाउ करेंट द वेट ऑफ टू नेकलेसेस वेट ऑफ टू नेकलेसेस वेट ऑफ टू नेकलेसेस की बात करते हैं तो इसमें वेट ऑफ ईच नेकलेस गिवन है बेटा 3.520 किलोग्राम ईच तो यहाँ से टू नेकलेसेस की बात की जा रही है तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे यस सर का जो वेट है उस वेट में टू से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द वेट ऑफ टू नेकलेसेस 3.520 ओके 3.520 किलोग्राम ये बेटा ऑफ नेकलेस है बेटा ऑफ इस नेकलेस से मल्टीप्लाई करते हैं टू का तो आंसर आएगा
जीरो टू द फोर एंड देन आफ्टर क्या सर आएगा सर 7.040 10 टू 0 एंड 7 सर 7.040 यस सर करेक्ट है 7.040 किलोग्राम वेट ऑफ टू नेकलेसेस आ गया सेम एज वेट ऑफ इयररिंग्स गिवन है यहाँ पे बेटा करें एंड 3 पेयर्स ऑफ इयररिंग्स वेनिंग 85 ग्राम बेटा करें 3 पेयर्स ऑफ इयररिंग्स वेनिंग 85 ग्राम यस यस सर वो तीनों का वेट दिया गया इसमें ये नहीं बोला गया कि ईच का 85 ग्राम है वो तीनों का वेट दिया गया 85 ग्राम ओके इसमें कुछ करना नहीं है ओनली डायरेक्ट आपको राइट कर देना वेट ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ इयररिंग्स क्या राइट करेंगे वेट ऑफ वेट ऑफ यस बेटा थ्री वेट ऑफ इयररिंग्स 85 ग्राम अब बेटा इस 85 ग्राम को क्या करते हैं किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो किलोग्राम सर 1000 से आने की सर आएगा सर 0.085 सर यस सर 0.085 क्योंकि सर 1000 से यहाँ पे हमें डिवाइड करना ग्राम से 85 ग्राम को सर 1000 से डिवाइड करना 85 ग्राम को 1000 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा 0.0085 नंबर ए का जो स्टेटमेंट है इनका आज किया गया क्वेश्चन उसका आंसर राइट करते हैं इन्होंने कहा हाउ हैवी इज द स्टैचू कंपेयर्ड टू द टू नेकलेसेस यानी जो स्टैचू है वो टू नेकलेसेस के कंपैरिजन में कितना हैवी है तो राइट करेंगे तो द स्टैचू इज हैवियर सो द स्टैचू इज हैवियर देन टू नेकलेस देन यस Two necklaces. The statue is equal to जो statue का weight है उसमें से two necklaces के weight को minus कर देंगे तो total yes sir 21 किलोग्राम है 21 kg yes sir 21.050 minus sir कीजिए मत कीजिए कोई value नहीं है इसका same as yes sir 7.04 केजी यहाँ पे केजी राइट कर दीजिए मैंने ध्यान नहीं दिया है केजी राइट कर दीजिए आप लोग यस सर केजी यस केजी माइनस 7.04 केजी इज इक्वल टू आंसर होगा इसके लिए क्या आंसर आएगा आफ्टर सबट्रैक्टिंग व्हाट विल इट सर आएगा सर बता रहे हैं सर बता रुक जाइए सर बता रहे 21.050 सर 14 पॉइंट सर होगा 1 14 पॉइंट सर 01 यस सर ओके सो दैट इज हैवियर देन सर 14 पॉइंट इज द 0.01 के जी यस सर 0 सर 14.010 यानी जो स्टैचू कितना ज्यादा भारी है उससे टू नेकलेसेस से 14.01 केजी इतना उसका वेट ज्यादा है टू नेकलेसेस के वेट से ओके ये पॉइंट नंबर वन आपका क्लियर हो गया नाउ पॉइंट नंबर टू इन्होंने फ्रेंड्स आस्क किया है बेटा पॉइंट नंबर बी में जो आस्क किया गया व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द अर्थ अनअर्थड गोल्ड आइटम सब प्लस कर देंगे सभी सब प्लस सर गिवन इज द टोटल वेट ऑफ टोटल को वेट का जो टोटल वेट फाइंड करना है तो इसके लिए जितने भी यहाँ पे गोल्ड आइटम्स हैं उनके वेट को ऐड कर लीजिएगा टोटल वेट फाइंड कर लेंगे आप ओके
यस सर, यहाँ पे टोटल वेट फाइंड करने के लिए ऐड ही करना है, तो ऐड करना बहुत इजी होता है. टोटल वेट ऑफ द आइटम, टोटल वेट ऑफ द आइटम, और गोल्ड आइटम की बात किया जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे देखो, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, ये तो कर दो यहाँ पे. चलिए यहाँ पे बता सर, यहाँ पे कर दीजिए सर, कर लेंगे. डाउन साइड पे जैसे एग्जैक्टली करना क्या है, 21.05 केजी ये आपका वेट हो गया, वेट ऑफ स्टैचू. यस सर, प्लस सब प्लस 7.040 वेट ऑफ नेकलेसेस 0.04 केजी, प्लस वेट ऑफ प्लस 0.085 ओके सर. स्टैचू में सर 0.50 होगा सर, स्टैचू में सर फर्स्ट में सर 21.050 जीरो राइट कीजिए और मत कीजिए, सर जीरो को छोड़ देना सर, लास्ट में सर जीरो नहीं सर, 28.174 केजी आएगा. ओके, 1.75 केजी. यस यू आर राइट, 28.175 केजी होगा, करेक्ट है. आंसर आएगा यस सर, ये टोटल वेट ऑफ द अर्थ अनअर्थड कहाँ पे है, टोटल वेट ऑफ द अनअर्थड गोल्ड आइटम. ओके आ जाएगा 8.175, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Now next yes, point. Sir. Look at this. Point number 7. A dietitian suggested Ankita that she should take 1 liter 300 milliliter of juice every day for 5 days. Ankita drinks the suggested quantity of juice for the first 2 days. On the 3rd and 4th days, she drinks 1 liter of juice each day. Let's see. Again, suggested Ankita. कहाँ से वाइट आ रही है बेटा? Mute कीजिए. बहुत से plus कर देंगे सभी. Please listen to me. जब मैं बोला करूं तो आप लोग अपने आप को म्यूट करके रखिए, वॉइसेस इंटरैक्ट होने लगती हैं, ओवरलैप होने लगती है. ओके यस सर. पॉइंट नंबर 7, अ डाइटिशियन सजेस्टेड अंकिता शी शुड टेक 1 लीटर 300 ml ऑफ जूस एवरी डे फॉर 5 डेज. अंकिता ड्रिंक द सजेस्टेड क्वांटिटी ऑफ जूस फॉर द फर्स्ट 2 डेज. ऑन द 3rd and 4th days शी ड्रिंक 1 लीटर ऑफ जूस ईच डे. एंड On the 5th day, she drinks 600 ml of juice. How much juice does she consume in 5 days? So, beta, usne first 2 days 1 liter 300 ml juice take kiya hai. Yani consume kiya first 2 days mein. Karein, Ankita drink the suggested quantity of juice for the first 2 days. यहाँ पे राइट करेंगे जितना वो अलग अलग डेज में ड्रिंक करती है उसका टोटल अलग अलग क्वांटिटी फाइंड करेंगे और देन उसको टोटल कर लेंगे. सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है.
ओके चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट आपका सेवन. A dietitian prescribed Ankita dietitian to take 1 liter 300 ml of juice every day for 5 days. Ankita drinks the suggested quantity of juice for the first 2 days. So, यहाँ पे write करेंगे the quantity of juice. Quantity of juice. Ankita drinks. On first every day. Yes, sir. First. Ankita drinks on first 2 days. यानी वो पहले दो दिनों से कितना drink की होगी उसको जितना suggest किया गया था. Suggest कितना किया गया था 1 liter 300 ml. ये doctor या dietitian ने ठीक है उसको जो सजेस्ट किया था पीजिए आप. लेकिन उसने केवल दो दिनों में पिया. अभी दो दिनों तक सजेस्टेड ड्रिंक जो उसको अलाउ किया गया था यानी जो सजेस्ट किया गया था उसके अकॉर्डिंग उसने ओनली 2 days टेक किया है कंज्यूम किया. तो यहाँ पे राइट करते हैं द क्वांटिटी ऑफ जूस अंकिता ड्रिंक्स ऑन फर्स्ट 2 days इज इक्वल टू 2 days के लिए वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे द क्वांटिटी कंज्यूमिंग बाय हर unsuggested. ओके यहाँ पे करते हैं देखिए मतलब जो उसने सजेस्ट किया गया था उसके अकॉर्डिंग उसने कितना कंज्यूम किया था इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं इस वैल्यू को 2 से सॉरी चलिए हम बताते हैं आपको फिर से थोड़ा सा मैं मिस मार्क कर रहा था द क्वांटिटी ऑफ जूस अंकिता ड्रिंक्स इक्वल टू ये आपका 2 days का फाइन करना है. तो 1 day के लिए उसको सजेस्ट किया गया था 1 liter 300 ml. ये 1 day का इसको सजेस्टेड क्वांटिटी था टू टेक द क्वांटिटी ऑफ जूस ओके ऑन एवरी डे. सर आंसर है 2.600. अब इस 1 liter 300 ml को क्या तो आएगा सब 2 liter 600 ml आएगा. यस सर 1.00 लीटर हो जाएगा. एक्जैक्टली क्या आएगा 1.300 लीटर टोटल करेंगे और इसको ओनली सर आंसर आएगा 2. सर 2.600 1 liter 300 ml इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.300 लीटर बिकॉज यू नो दैट 1 liter इक्वल टू 1000 ml. 1000 ml होते हैं तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं आपसे डिवाइड 1.300 लीटर ओके इट मीन्स यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं बाई 2 देन यू गेट 2.6 लीटर ओके दैट इज द क्वांटिटी ऑफ जूस ऑन फर्स्ट 2 days. ये वो क्वांटिटी है जो वो फर्स्ट 2 days में इंटेक करती है और कंज्यूम करती है ओके बात आती आपका यस. ऑन द 3rd and 4th day शी ड्रिंक्स 1 liter ऑफ जूस ईच डे एंड ऑन द 3rd and 4th day she consumes she consumes 1 liter of juice each day. 1 liter of juice each day. She consume 2 liters. Yes, beta. यहाँ से write करेंगे on the 3rd and 4th day.
सर 2 लीटर हो जाएगा। क्वांटिटी किसका रही कर रहा है किस विकास का सर यस विकास का ही द क्वांटिटी ऑफ यहां से राइट करेंगे द क्वांटिटी ऑफ टू सर ऑन द थर्ड एंड फोर्थ डे कंज्यूम्ड ऑन कंज्यूम बाय हर ऑन थर्ड एंड फोर्थ डे द क्वांटिटी ऑफ जूस ही कंज्यूम सर 1 लीटर को सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लीटर ऑन स्टेशन 2 लीटर आएगा 2 लीटर होगा और सर 600 ml और 2 लीटर और सर 2.6 लीटर को प्लस कर देंगे यस बेटा 1 लीटर पर डे वो ड्रिंक करती हो तो 2 डेज में वो कितना करेगी 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2 लीटर वैल्यू आएगी और सर 600 ml सब आप फिफ्थ डे में सर 600 ml ड्रिंक करती हो तो सर 2.6 टू ड्रिंक और सर नो कितना ड्रिंक करती है 600 ml ड्रिंक ऑन फिफ्थ डे इक्वल टू 600 ml बेटा इसको ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 लीटर कितना आएगा 0.6 लीटर ओके लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 0.6 लीटर तो अब क्या राइट हैंड का नाम है तो हाउ मच जूस डस ही कंज्यूम इन 5 डेज तो राइट करेंगे जस्ट शो द क्वांटिटी ऑफ जूस ही कंज्यूम इन 5 डेज तो यस सर यस The quantity of juice he consumes on 5 days, in 5 days, he consumes in 5 days. फर्स्ट 2 डेज में उसने 2.6 लीटर कंज्यूम किया है फर्स्ट 2 डेज की बात कर रहे हैं फिर यस सर नेक्स्ट 2 डेज में उसने 2 लीटर और ऑन फिफ्थ डे 600 ml फिफ्थ डेज में 600 ml बेटा इसके लिए आंसर क्या होगा 5.200 नहीं दिख रहा है अभी देखिए 5.200 5.200 लीटर 5.2 लीटर आंसर क्या होगा 5.2 लीटर यस 5.2 लीटर सर बोर्ड नहीं दिख रहा यस सर नीचे नहीं दिख रहा है सर थोड़ा सर आगे लाइट आ रही ज्यादा इसलिए यस सर सर चलिए मैं देखता हूँ यस सर वही थोड़ा खड़ा ऑन फिफ्थ डे द क्वांटिटी
ओके, इसमें जो दिया गया था उसी स्टेटमेंट का यूज किया गया है। यस सर, यस सर। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, सर लोगों को? यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जीरो डिवाइड करना है ईच बॉटल। यस सर, हमको लगा 2500 बॉटल तुम्हें ऐसे ही लग जाता है। 25 बॉटल का है, 25 बॉटल का सर है, 250 ml है, दिया है सर, लग गया था। सर इजी है सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे, अपने सारे सेंटेंस भी लिख लोग कर लेंगे। आप अपनी बात मत कीजिए, सारे फ्रेंड्स से पूछे सर लोग कर लेंगे, कर लेंगे सारे लोग। यस सर, सबको आता है सर। बेटा तुम्हें आता है तो सबको आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है, जिसमें इन्होंने बताया, बेटा क्या बताया था पॉइंट नंबर 8 के स्टेटमेंट क्या है इसका? सर द कैपेसिटी ऑफ 25 बॉटल ऑफ जूस इज 81 लीटर 250 ml। Find the capacity of each bottle. The capacity of 81.25 bottles of capacity of 81.250 ml को सर 25 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है? 8 लीटर 250 ml में वैल्यू गिवन है यहाँ पे, 8 लीटर 250 ml। सर 8 लीटर नहीं है, 81 लीटर है, 81 लीटर है। ओके, सर 81 लीटर, 81 लीटर 250 ml, 250 ml होगा सर, 81.250 ml, क्योंकि सर ml को सब 1000 से सर लीटर में डिवाइड करेंगे। यहाँ से देखिए, इसको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में राइट करते हैं, तो इसके लिए आपको इस ml को क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 0.250, यानी एग्जैक्ट आंसर 81.250 liter, 81.5 divide by 5. Yes. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने आस्क किया है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, सो द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम इस टोटल वैल्यू को जो 25 बॉटल है उसको 25 से डिवाइड कर देंगे, 81 यस सर, टोटल वैल्यू से सर 5 divide by 25 ये लीटर में है, ध्यान रखना है, लीटर में है वैल्यू, लीटर वैल्यू को 25 से डिवाइड करते हैं जो आंसर आएगा वो लीटर में आएगा। चलिए डिवाइड करके चेक करते हैं, डिवाइड करने के लिए यहाँ से 25 को डिवाइड करना है हमें बाय
20 यहाँ से डिवाइड करने के लिए 25 से डिवाइड करते हैं 81.250. ओके चलिए थ्री टाइम जाते हैं, थ्री टाइम जाने पे क्या आंसर आएगा 75. यहाँ से माइनस करते हैं 81.25 देन पॉइंट यहाँ कॉपी कर लेंगे. यस सर, सर टू कॉपी कर लेंगे. ये 62 तो यहाँ टू टाइम जाएंगे यानी एग्जैक्ट आंसर आएगा 3.250 आ जाएगा. माइनस करेंगे 12 होगा यहाँ पे, यहाँ 5 का 125 5 टाइम जाएंगे. हाय बाय जी 125 आंसर 3.25 जीरो सच्चा 3.2 लीटर एंड 12 3.25 ऑफ ईच बॉटल फाइंड करने के लिए क्या किया हमने 81.25 लीटर को फुल कैपेसिटी ऑफ 25 बॉटल जो था उसको 25 से डिवाइड कर देते हैं देन वी विल गेट The capacity of each bottle, okay? ऐसा ही करने पर यहाँ पे capacity of each bottle जो आता है 3.25 लीटर आता है, okay? Yes, sir. Now next point number 9. That is charge. 1 liter of water is poured into 2 glasses having a capacity of 230 ml each and 1 glass having a capacity of 300 ml. Does the bottle have any water left in it? If yes, how much? Same as इसमें भी करना है. इसमें 1 liter को 2 glasses में, 1 liter water को 2 glasses में poured किया गया. एक की capacity given है यहाँ पे 230 ml और दूसरे glass की capacity given है 300 ml. तो इन दोनों कैपेसिटीज को ऐड कर लेंगे देन हम बता सकते हैं. ओह सर, माइनस 1 लीटर से माइनस कर देंगे. यस बेटा. यस सर, सर कर लेंगे. सर प्लेन ऑन 11 में बता दीजिए, सर कर लेंगे. यस सर कर लेंगे. चलिए ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हम ऑन बोर्ड डिस्कस कर देंगे ऑन नेट से. ओके अबस अबस ट्रेबल इक्वल डिस्टेंस एवरी डे एंड कवर्ड 42 किलोमीटर से कम रहेगा. व्हाट डिस्टेंस द बस कवर इन अ डे बेटा 6 से डिवाइड कर देना है यहाँ पे जो टोटल कवर डिस्टेंस उसका उसने 6 डेज में कवर कितना किया 42 किलोमीटर डिवाइड कर किलोमीटर. बट कैसे करेंगे ये भी सुन लो, इस टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है इसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे. किलोमीटर में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 42.672 किलोमीटर. यस यस सर, डिवाइड बाय 6 सर आ जाएगा आंसर इसका. देन द डिस्टेंस यस इसका आ जाएगा कवर्ड बाय बस इन अ डे वो आंसर आ जाएगा. ओके यानी टोटल कवर डिस्टेंस को 6 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन है मतलब रिक्वायर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा. ओके पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं. इफ आई यू ड्रिंक 550 ml ऑफ जूस एवरी डे मल्टीप्लाई हाउ मच हाउ मेनी लीटर्स ऑफ जूस मल्टीप्लाई सर 7 से 7 से मल्टीप्लाई करना है. आप लोग ट्राई लीजिएगा. ओके तो आज के लिए इतना रन देते हैं, नेक्स्ट डे मीट करते हैं आप लोगों से. गुड बाय एवरीवन. सर गुड बाय. वेलकम बाय.